और भैया थान के भटगांव उप तहसील से मामला सामने आया, जहां ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि किसान उप तहसील कार्यालय प्रांगण में काम के लिए घंटों इंतजार करते हैं, जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते किसानों को होटल से पानी खरीद कर पीना पड़ता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सीताराम भास्कर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तहसीलदार को लिखित आवेदन सौंपा, साथ ही कार्यालय में जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाने की अपील की। वहीं तहसीलदार ने किसानों को पेयजल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। तो ये भैया थान से लगा हुआ क्षेत्र है भटगांव जी, और यहाँ का फुल फ्लेज तहसील भैया थान है, लेकिन उसका उप तहसील भटगांव एरिया है जी, जिसमें इस तहसील प्रांगण में जी सैकड़ों किसान डेली आना जाना करते हैं, अपना राजस्व मामला को लेकर के, बेसिक तारीख को लेकर के यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ का पानी टंकी का जो दिख तो रहा है, लेकिन इस पानी टंकी में पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत होता है। एक तो अप्रैल महीना का समय चल रहा है और तड़पती धूप से अगर लोग गांव गलियों से चलकर आ रहे हैं तो यहां पर पानी का बहुत दिक्कत है और टका है, लेकिन इसको चालू अभी तक किसी प्रकार का किया नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले 5 से 6 महीना में ये जो है बंद पड़ा है जी, और अगर ये चालू हो जाता है तो किसानों को पेयजल का समस्या दूर हो जाएगा। तो अभी हम नायब तहसीलदार भड़गांव को ये ज्ञापन दे रहे हैं, एक लेटर लिखे हैं, समस्त ग्राम वासियों का हस्ताक्षर है, हमारा भी हस्ताक्षर है इसमें। हम ज्ञापन दे रहे हैं कि इस समस्या को, इस जो पानी का जो समस्या है, इस समस्या को तत्काल सुधारा जाए। ये भैया थान से लगा हुआ क्षेत्र है भड़गांव जी, और यहाँ का फुल फ्लेज तहसील भैया थान है, लेकिन उसका उप तहसील भड़गांव एरिया है जी, जिसमें इस तहसील प्रांगण में जी सैकड़ों किसान डेली आना जाना। और इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधन न्यूज। नमस्कार।